फिर उसके बीच से बाइक चलाते हुए गाड़ी स्पीड में कर जाए। सबसे बड़ा दिक्कत ये सुबह उठना। क्या सो लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। हेलो सलाम नमस्ते नमस्कार, मैं हूं मोइना रॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर द एक्सप्लोरर। सुबह के अभी करीबन 5:30 बजने चला है, 5:35। तो अभी हम निकल रहे गुरुदंबर लेक के लिए, सामान सब नीचे रख दिए। अभी हम जा रहे हैं नीचे, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। टेम्परेचर बहुत ही कम है, नीचे जाकर थोड़ा सा बात करते हैं। फिर गाड़ी वाली कोल्ड स्टार्ट देंगे और सब पैक करना है। थोड़ा सा एक एक सामान लेके जा रहे, ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं जा रहे। फिर चालू करके थोड़ा सा बात करते हैं। अभी भी टेम्परेचर करीबन कितना होगा रे? हम देख रहे हैं 1 डिग्री टेम्परेचर। एक अभी ऊपर जाना है, वहाँ -6 डिग्री। तो चलिए सब गाड़ी पैकिंग करके फिर बात करते हैं निकल कर। चल बेरो लाखन से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया। चारों तरफ फॉगी फॉग है, लग रहा है वर्ष गिर रहा है धीरे धीरे। ठंड बहुत ज़्यादा है, 1 डिग्री है यहाँ पर। अभी आगे जाना है, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे आएगा ठंडी। ठंडी में हम लोग का चेक पत्नी लगा पहला जगह, वो सब कुछ ओपन होता है तो वहाँ पर लाइन लग जाता है। तो उसके लिए मैं निकल गया, अभी 2 बजे तक निकल गया। 5:54 हो रहा है अभी, देखा जाए वहाँ पहुँच के कैसा वैसा है नहीं है। अभी तो फिलहाल इसी लग रहा है। I turn off the lights, I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. देखिए कुछ मिलता है कि नहीं, चाहे थोड़ा सा राहत मिलेगा। हद भी पूरा जाम हो चुका है। चाय कॉफी कुछ मिलेगा? ओके थैंक यू। दो चाय। हाँ अंकित आ जा। हाथ पूरा सुन हो चुका है ना अंकित, तो हाथ भी जला लिया थोड़ा सा, हाथ भी ठंडा कर गरम कर लेते हैं। बाद में उल्टा पुल्टा हो रहा है। दो ग्लास ले ले, दो ग्लास ऊपर वाला तो तेरे को मालूम है क्या है। हम लोग लद्दाख भी गए थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था।
वो प्लेन एक ग्लव्स पहन के हम लोग चला ले रहे थे, यहाँ दो ग्लव्स कोई काम नहीं आ रहा है। बाहर का थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। चाय पीने के बाद थोड़ा सा आराम हुआ और हमके हाथ थोड़ा सुन हो गया, तो उसमें ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैंने दोनों दो ग्लास पहने थे मोटा, एक राइडिंग ग्लास, तो जो गर्मी वाला था वो दो दे दिए, एक दे दिए फिलहाल, और ये दो पहन के चला रहा था। सिंपल अभी राइडिंग ग्लास जो होता है पहन के चला रहा था। हमको उसमें 7:30 बजे तक से शायद गेट खुल जाता है, उसके बाद मालूम नहीं कितना देर तक खुला रहता है। अभी टाइम हो चुका है, यहाँ से 19 किलोमीटर है, 7:30 बजे से हम लोग पहुँच गए थे। बहुत अच्छा थोड़ा रास्ता आगे थोड़ा ख़राब मिलेगा, तो देखते हैं लग रहा पूरा ऑफ रोड मिलेगा। इंजन में हाथ सटा दे रहे फिर भी नहीं हो रहा। हाँ अब हो रहा गर्म थोड़ा सा। हाँ 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 क्या व्यू है यहाँ से। धूप मिला इतना देर बाद, लेकिन अभी 7:30 बजे है, 5:30 बजे में निकले थे, थोड़ा सा धूप मिला, बहुत ही ठंडा लग रहा था। अभी ये धूप रहेगा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा वेदर। यहाँ रोक लेते हैं, थोड़ा फर्क फोटो भी खिंचा कर देंगे। Wrong, but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be. Finally, I'm looking. चेक पोस्ट में पहले परमिट दिखा के साइन करना पड़ता है। वो होने के बाद अभी हम लोग रुके थोड़ा चाय पी ले, हाथ भी थोड़ा सा गर्म कर ले रहे। बहुत अच्छा लग रहा है चाय तो पीने का बाद। अंकित अभी ग्लव्स खरीद रहा है क्योंकि बहुत ही खराब अवस्था हो गया अंकित का भी मेरा भी। हम लोग ले में जो ग्लव्स यूज़ किए थे उसी में काम चला रहे थे, लेकिन वो नहीं हो रहा। फिलहाल अभी एक ग्लव्स एक सूट खरीद रहे हम लोग। यहाँ का थोड़ा सा तो अच्छा लग ही रहा है अभी। अभी यहाँ से करीबन कितना 32 किलोमीटर बाकी है गुरुदंबर। देखते हैं पहले चाय कॉफ़ी पी लेते हैं करके। अच्छा रूम में मैगी कॉफी और चाय पीने का बाद थोड़ा सा ठंड कम हुआ। लास्ट अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से कम से 35 किलोमीटर है गई गंगवार, तो डेढ़ घंटा रास्ता है। I feel you grow down. And I know you keep asking me flames and fire. I know you are done with me. It's
shots fired. I see you go down, yeah, I see you go down. I see you go down, yeah, I see you shots fired. बर्फ जमा हुआ वहाँ पर, बर्फ जम के है बीच में से जा रहा गाड़ी में, थोड़ा समय में रेस्ट चाहिए। अंकित ड्राइवर आगे भाग जा रहा, अंकित का गाड़ी तो साथ दे सकता है, मेरा गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अंकित को बोला था पीछे रहने पर अंकित अपना मिले से ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करे। अरे बोल्डर जुड़ा हुआ है सामने में, अभी दिक्कत हो रहा है इसलिए गाड़ी गाड़ी का कंट्रोल ठीक भी कर देना पत्थर में। बंदा अगर हम लोग 15,000 फीट में आ चुके हैं, इसका आगे एक्शन कैमरा लेके जाने नहीं दे रहा, एक्शन कैमरा हम लोग यहाँ जमा कर चुके हैं। ये यहाँ से आगे हम लोग अभी 13 किलोमीटर है, ये 15 फिर यहाँ का टाइमिंग है, कोई बोल दे रहे यहाँ का टाइमिंग है, अभी 10 बज रहा है, 12 बजे तक हम लोग के पास टाइम है, 12 बजे यहाँ से आउट हो जाना है, 12 बजे के बाद फिर नहीं जाना है। ओके सुन लिया ना, 12 बजे तक टाइम है। ये कहते हैं ऊपर गया, आके ऊपर गया, नहीं ऊपर ही जा रहे, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, आके कॉफी पियेंगे, जाओ जाओ एंट्री करके जल्दी जाओ, अभी हवा कम है। हाँ जल्दी जाके उधर, ज्यादा देर बैठ रहे नहीं, 10-15 मिनट माइक बोला है ना। हाँ हाँ वहाँ 10 मिनट रुकना, खाली फोटो लगे थे ना निकल जाए, ज्यादा बैठे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा फिर बाइक चलाने में मुश्किल होगा। हाँ नहीं वो हम लोग पहले ही सोच लिए, फाइनली हम लोग पहुंच गए गुरुदंगमार लेक। थोड़ा सा कष्ट हुआ बाइक में, बाइक ने बहुत साथ दिया, यह गाड़ी आ गया बहुत अच्छे से आ गया ठीक है। अभी आप थोड़ा सा देखिए कैसा फील हो रहा आपको आते यहाँ पर, कैसा ऑसम नजर आ रहा। अब थोड़ा सा ऊपर से देखते हवा हवाई को भेजते हो। You dream more.
लगा यहाँ के, अब चलते वापस लाचेन के ओर। ये क्या गांव है, यहाँ से परमिट दिखाना पड़ता है। कैसे है 15,000 फीट में अंदर कॉफी इंडियन आर्मी की तरफ से दिखाया जाता है। बिग सैल्यूट फॉर इंडियन आर्मी, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग सेफली बैठे हुए हैं यहाँ। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे काला पत्थर की ओर, तो रास्ते में ज़्यादा कोई शूट नहीं करना है। अब ज़्यादा जो है काला पत्थर में जाके शूट करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे लाचन। हालत बहुत ख़राब है, यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो इधर ख़राब चल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। अब निकल रहे बाहर, चलिए निकलते मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं काला पत्थर बोल के एक जगह है, जो थंगू वैली से 1.5 किलोमीटर आगे राइट साइड मुड़ने से मिलता है। यहाँ से शायद 12 किलोमीटर है, लेकिन पूरा जा सकेंगे कि नहीं मालूम नहीं। लोकल ड्राइवर लोग बोल रहे थे रास्ता के बीच में बर्फ़ गिरा हुआ है, तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकेंगे, जितना दूर जाना चाहेंगे जाते हैं, देखते क्या है नहीं है। ऐसे भी सिंगल रोड है, वेदर ख़राब होने जा रहा है, साइड साइड से बर्फ़ गिरने जा रहा है, फ्रेश बर्फ। चलते हैं तब देखते। And tears run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. बर्फ में बाइक चलाते हुए पहली बार हमें पूरा रास्ता बर्फ, जाना ठीक होगा कि नहीं होगा। बर्फ का बीच में बाइक चलाते हुए गाड़ी ठीक न कर जाए, बैठा न रहे, खाने पीने में प्रॉब्लम होगा। अब यहीं रुक जाना बेहतर है, यहाँ थोड़ा सा बर्फ कम है, यहीं रुक जाते हम लोग। काला पत्थर थोड़ा सा और आगे है, रास्ते में पूरा बर्फ़ गिर चुका है, इसलिए हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। अब यहीं से जितना नज़ारा लेना है ले सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है। और अंकित अभी हवाई हवाई भेज रहा है ऊपर, तो थोड़ा उसमें भी देख लेते हैं, तब तक नॉर्मल में देखिए। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा। अंकित रेडी, बहुत ज़्यादा ठंडा। यहाँ एक जगह लगा मुझे, गुरुदंबा से निकल था हवा चल रहा वहाँ, और दूसरा जगह हमको ठंडा लगा यहाँ, ऐसे अभी तक हमको फिलहाल ठंडा लगा नहीं था। वेदर बहुत खराब हो रहा है, फॉग चारों तरफ से घेर ले रहा हम लोगों को, ठंड भी बढ़ रहा। बस सेफली हम लोग थांगो पहुँच जाए जितना जल्दी। पहले मैंने कहा था चलो सेफली हम लोग तो थंगू वैली पहुंच गए, तो कुछ चाय भी पीते। अरे अंकित वाह, हो गया अंकित का हाथ। देखिए देखिए कहाँ गया अंकित का हाथ, बात स्नोफॉल हो रहा है,
ऊपर में स्नो गिरा था, ये स्नोफॉल हो रहा है धीरे धीरे। ये हाथ का देखिए स्नोफॉल है। अभी हम लोग आ गए थंगू, इसके बाद निकलेंगे लाचेन। हर रास्ते में कोई वीडियो नहीं क्योंकि अभी हम लोग का जल्दी घर पहुंचना है। बाय, मिलते हैं लाचेन में। से बात करके निकले थे, उसके बाद धीरे धीरे आराम से हम लोग आ गए लाचेन। शाम को पहुंचे, रूम ले लिए। अभी रूम में हम लोग है। अभी रात को खाना ना खा के सोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया आज, बहुत ज़्यादा जर्नी हो गया। अब कल यहाँ लाचेन से निकलेंगे गैंगटॉक के लिए, उससे पहले आप लोगों को दिखाएंगे लाचेन। तो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचेन। आज हम लोग सोचे थे बहुत कुछ पर नींद, आज जो सोए हम लोग 9-10 घंटा से ज़्यादा सोए, लगातार 3 दिन से सो नहीं रहते ठीक से, तो आज बम्बा के सोते। उठते उठते हम लोग का बहुत लेट हो गया, 10-10:30 बज गया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस गैंगटॉक के लिए, उससे पहले आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लाचेन। लाचेन दिखा दिए, अब निकल रहे लाचेन से गैंगटॉक। बाय लाचेन। अभी अंकित कोल स्टार्ट दे रहा, मैंने नहीं देना है, मेरा तेल खत्म हो रहा, मंगल में जाकर तेल भराना पड़ेगा। चलिए रास्ते में बात करेंगे, कुछ कुछ और दिखाएंगे कुछ। बाय बाय लाचेन। रास्ते में एक भैया मिला हम लोगों को, ये 91 डेज से अभी के टारगेट रखकर केरल से आ रहे हैं। अभी कंप्लीट हो गया। नाम अनिल। अनिल 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 केरला। ये भैया लोग भी एक घूमने आए हैं बैंगलोर से। नाइस टू मीट यू। ये भैया बहुत अच्छा ट्रेवल कर रहा है अभी, बहुत 100 डेज का टारगेट रखे, पूरा नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरा कंप्लीट करने का। 13,000 हो गया किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। सुबह मैगी खा के निकला, फिर 28 किलोमीटर चलने के बाद इसको भूख लगी, फिर से मैगी खा रहा। ये बोल रहा 4 घंटे में गैंगटॉक घुस जाएगा, हमको गाड़ी आगे भगा लेती है। ये आदमी पीछे सो जाता है। हाँ, ऐसा आदमी है, पीछे सो जाता है, हम आगे चले जाते हैं, फिर हमको आगे जाके रुकना पड़ता है। आप लोग तो मालूम है ना, लद्दाख इस आदमी लद्दाख वाला हैंगओवर कटा नहीं है अभी तक, इसीलिए थोड़ा सा अपना सेफ्टी रखना चाहिए। ये खाना खाते खाते ये हो जाएगा। और एक चीज और, ये तुम्हारा लिए टोनी स्टार्क, ठीक है? यहाँ से आप कुछ खाना वाना खा कर निकलते हैं। अभी है ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर, 80 अभी भी 80 किलोमीटर। अभी हम डिक्चू में, डिक्चू रंगरंग रोड है। चलिए तो खा लेते हैं। इज्जत बचा लिया है मेरा पार्टनर। जब मंगल से हम लोग निकले थे तो मेरा चार दागी नजर आ रहा था, तो उसने बोला फुल टैंक कराना था, उन्होंने फुल टैंक की जरूरत नहीं हो जाएगी। दो नंबर जते जाते मेरा एक दागी हो गया था। उसके बाद हम लोग तो बहुत टेंशन में थे, जैसे तैसे अभी आए हम लोग, फाइनली हम लोग पेट्रोल पम्प पहुँच गए। अल्टीमेट 6 घंटा ड्राइव, बीच में थोड़ा सा मस्ती, आदमी लोग से भेंट, सब कुछ करके गैंगटॉक पहुंच गए हम लोग। अब गैंगटॉक जो पहुंच गए तो अभी हम लोग फ्रेश होकर निकलेंगे एमजी मार्ट के लिए, थोड़ा सा मार्केट वर्केट भी करना है। तो एमजी मार्ट आप लोगों को पहले मैं दिखा चुका हूं, तो वो और वीडियो करना नहीं है। कल सुबह हम लोग निकलेंगे नाथुला के लिए, जहाँ वहाँ से हम लोग बाबा हरभजन सिंह मंदिर होते हुए रुकेंगे, स्टे करेंगे नाथन वैली। ये देखने के लिए अगला पार्ट देखना पड़ेगा,
कि इस पार्ट में यहीं ख़त्म करो, और जो रास्ते में देखा है वो तो अच्छा लगा ही होगा। तो मिलते कल, मतलब अगला पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े में रहिए, आराम से रहिए, टेक केयर, बाय। ओ ये होटल मंडला में जो नया रूम लिए उसका भी वैसा है कुछ, थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं।